और 10th का रख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लास हम जो है 11th, सॉरी यहाँ पे 11th और 12th का रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो है क्लासे, अब इसमें से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं उनको तो पहले पढ़ाया जाएगा साइंस, पढ़ाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा साइंस, दूसरा पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, ठीक है। और बीच बीच में आपको कभी संडे को क्लास लेकर के आपको जीके का सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं 9th-10th के लिए, 9th-10th के लिए भाई एक ही चीज़ है, साइंस की क्लासे है उनकी, ठीक है। 9th-10th के लिए साइंस की क्लासे ही चलेगी, क्योंकि अब जो 9th-10th का है वो साइंस की क्लास जो है उनका चलेगा पूरा पूरा 1 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है। 11th-12th में आ जाइए तो 11th-12th में बच्चों के लिए मैथ नहीं चल पाएगा, प्रयास करेंगे कि मैथ के लिए 1 जनवरी से जो है नए दिन से नई साल की तरफ से शुरुआत किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे 11th-12th के लिए, अभी जो है चलेगा वो फिजिक्स का चलेगा, पीसीबी, मतलब पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर बायो हो गया, ठीक है। अब बायो में अगर देखा जाता है यहाँ पे भी 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर 3 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, फिर 2 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, अलग अलग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब इसके हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, जैसे कि साइंस का ऑनर्स हो गया, साइंस का, इंग्लिश का, जीके का, ठीक है। बात करते हैं कि अब ये जो हमें पढ़ना है इस पार्ट को हमको अलग अलग किस तरह से इसको डिवाइड करके पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, इसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करना है, कितना नहीं करना है, कितना टेस्ट देना है, यह सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर हम क्लास 6, 7, 8 के लिए, ठीक है। अगर इन बच्चों को हम मॉर्निंग में नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं से मॉर्निंग में ठंड आ रही है, ठंड में उठने के लिए इनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इनको नहीं रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं 10th और 12th के बच्चे के लिए, जो 10th वाले बच्चे हैं और 12th वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनको उठना ही है हर हाल में, क्योंकि इनके ऊपर बहुत भारी समस्या आने वाली है, और इनको बिना उठ करके चलने इनको उठ कर चलने के लिए इनको साहस और जागरूक करना होगा, तो इसलिए इनको उठना ही है। और इनको उठना है मॉर्निंग में 5 बजे, कब उठना है मॉर्निंग में 5 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में इनको 5 o'clock पे उठना है, ठीक है। अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं बच्चे के लिए बात करते हैं, जो 10th और 12th वाले बच्चे हैं इनके लिए साइंस की क्लासेस सुबह चलेगी, जैसे अब ये 10th वाले बच्चे होंगे, 12th वाले बच्चे होंगे, 10th और 12th, ये बात करते हैं हम 10th एंड 12th, इन दोनों बच्चों का क्लास सेम फिजिक्स का क्लास चल जाएगी, क्योंकि जो 10th में होते हैं वही 12th में जाकर के ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन कि जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, वो 70% आपको 10th और 12th की बुकों से मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी फिजिक्स हो गया, ठीक है। 10th और 12th की क्लास जो चलेगा वो 5 मतलब 5 बजे से सुबह हम चलाएंगे, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक चलेगा, 5 से 6 तक क्लास चलेगी 10th और 12th का, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं 11th और जो है 9th, मतलब जो 9th वाले बच्चे हैं और 11th वाले बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के लिए तो थोड़ा मान लीजिए अभी दिन के ऊपर से क्या हो रही है, अभी न्यू का कारामार चल रहा है, तो समझ लीजिए आधा काम हो गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन आधा काम से ज़्यादा हो गया है, तो इन सभी बच्चों के लिए कोई बात नहीं, इनका सबका टाइम हम 6 से 7 बना दे रहे हैं, ठीक है। 6 से 7 बजे के सुबह इनका क्लास चलेगी मॉर्निंग में, अगर हम देखते हैं तो जो मॉर्निंग में इन बच्चों का क्लास चलेगा 6 से 7 चलेगा। हम बात करते हैं साइंस फिजिक्स भी वो भी ज़रूरी है, हम बात करते हैं इनका भी फिजिक्स ही चलेगा, क्या चलेगा फिजिक्स चलेगा, ठीक। 9th और 11th का फिजिक्स सेम वही चीज़ें मिलेगी आपको, और जहाँ कोई